दोस्तों, क्या आप एक ऐसे हेयर स्टाइल की खोज में है जिससे कि ना तो आपके स्कूल के टीचरों को कोई प्रॉब्लम हो और ना ही आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी दिखे? दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। बिकॉज दोस्तों, जब मैं भी एक बार ज़्यादा स्टाइलिश हेयर कट करा करके स्कूल में चला गया था तो मैं टकला हो चुका और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके भी यह हाल हो, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे हेयर कट्स बताए हैं जिससे कि ना तो आपके टीचरों को कोई प्रॉब्लम होगी और आप उसमें काफी ज्यादा सेक्सी भी दिखने वाले हो। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो कि टीचर्स हमारे हेयर कट और हेयर स्टाइल में नोटिस करती है और जिसकी वजह से हमारा ये हाल होता है। तो वो चार चीजें हैं दोस्तों जिसको कि टीचर नोटिस करते हैं और उसके बाद हमारा ये हाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है दोस्तों साइड फेड। दोस्तों, अगर आप ही साइड फेड कराते हैं तो वो स्कूल्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। और टीचर्स सबसे पहले वही नोटिस करते हैं किसी भी स्टूडेंट के हेयर कट और हेयर स्टाइल में कि इस बच्चे का साइड फेड अगर है। टीचर समझते हैं कि ये स्टाइलिश बनने आया है यहाँ पर और ये अपना फैशन यहाँ पर दिखाने आया है, इसी वजह से दोस्तों वो हमारे बाल काट देते हैं और हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी साइड फेड नहीं कराना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों लॉन्ग हेयर। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर रख लेते हैं जिसकी वजह से भी उनको दोस्तों क्लास लग जाती है टीचरों के द्वारा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप स्कूल जाएँ तो आप या तो मीडियम लेंथ का हेयर रखें या तो आप शॉर्ट हेयर रखें। इस दोस्तों आप लॉन्ग हेयर कभी भी ना रखें। तो आप अगर आप लोग दोस्तों मीडियम और शॉर्ट हेयर रखते हैं तो स्कूल्स में आपको कोई भी नहीं बोलने वाला है, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग हेयर रखेंगे तो आपको स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डांटी जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपका क्लास लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा मीडियम और शॉर्ट हेयर ही रखें। तीसरी चीज़ है स्पाइक्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों हेयर स्टाइल करते समय अपने बालों में स्पाइक्स बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से अपने बालों को खड़ा कर लेते हैं और वैसे स्कूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने हेयर स्टाइल को कुछ इस प्रकार से कर करके स्कूल जाएंगे तो आपका भी दोस्तों क्लास पक्का लगना है और आपकी भी बेइज्जती मेरी तरह जरूर होगी। इसलिए दोस्तों, आप स्कूल जाए तो आप इस प्रकार के स्पाइक्स कभी भी ना बनाएं, जितना हो सकता है आप नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल रखें। और दोस्तों, चौथी चीज़ जो कि टीचर्स हमें नोटिस करते हैं वह है दोस्तों हमारे कट्स। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है दोस्तों अपना मांग पे कट करवा लेते हैं या तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है अपने साइड में कट करा लेते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें टीचर्स काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं और अगर आप लोग भी कट्स कराते हैं ये आपको एक छपरी कैटेगरी में भी ले जाता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको ये मिस्टेक्स कभी भी नहीं करने हैं, जितना हो सकता है आपको सिंपल हेयर स्टाइल रखना है और नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल रखना है। तो कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स को देख लेते हैं जिससे कि दोस्तों आपके स्कूल में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आप इस हेयर स्टाइल में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगने वाले हो। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर की जो हेयर स्टाइल है वो ये है। इसमें दोस्तों आपको मेनली क्या करना है, आपके जो साइड के बाल हैं उसमें दोस्तों आपको एक नंबर करवाना है, ठीक है दोस्तों, एक नंबर में ट्रिम करवाना है। और ऊपर के जो बाल होंगे दोस्तों आपको वो मीडियम से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है दोस्तों, मीडियम लेंथ आपको नहीं रखना है, इसमें आपको मीडियम से थोड़ा सा छोटा रखना है, ठीक है, शॉर्ट भी नहीं रखना है, शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा और मीडियम से थोड़ा छोटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये दोस्तों हमारी है दूसरी नंबर की हेयर कट। इसमें भी दोस्तों आपको पहले नंबर की तरह साइड से जो दोस्तों आपको एक नंबर में ही ट्रिम करवाना है, लेकिन दोस्तों इसमें जो ऊपर के बाल होंगे वो शॉर्ट लेंथ के होंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्कूल्स में और आपके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी थर्ड नंबर की हेयर स्टाइल। इसमें दोस्तों आपको मेनली क्या करना है, साइड से आपको फेडेड रखना है। अब आप लोग बोलिएगा कि तुमने अभी बोला था कि साइड से तो हमें स्कूल्स में फेडेड रखने के लिए अलाउड है ही नहीं। दोस्तों, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको साइड से फेडेड करवाना है, अपने बार्बर को देखिए क्या बोलना है कि मेरा बाल को साइड से फेडेड कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको अपने बार्बर को ये भी बोलना है कि आप उसे अच्छे से मिला दीजिए ताकि वो उतना पता ना चले कि वो फेडेड किया गया है। उसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में डिस्कनेक्ट भी बोलते हैं। अगर आप महंगे सैलून में जाते हैं तो आप उन्हें डिस्कनेक्ट बोल सकते हैं कि आप मेरे बालों को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगने वाला है। और ऊपर का जो आपका लेंथ होगा दोस्तों, इसमें आपको मीडियम लेंथ रखना है। और ये दोस्तों हेयर स्टाइल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगते हैं और आपके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। दोस्तों, इस हेयर स्टाइल से भी आपके स्कूल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये तीन हेयर स्टाइल्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप स्कूल जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आपको इन तीनों में से जो अच्छा लगे आप वो करा सकते हैं। और आप कोई और भी हेयर कट कराना चाहते हैं तो जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके कोई भी हेयर कट करा सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी पर्सनल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले। मैं वहाँ पे अपने पोस्ट भी डालता हूँ और आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही और फैशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूले। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।